हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जिद। दिखा दूं फिर आप लोग पूरी की क्या दो? मैं चलिए चलो नहीं ठीक है चलो भाई प्लीज क्लैपिंग। क्या बात, तो ये और ये टी शर्ट आपको मिलेगी प्रैग्मा फैक्ट्स की तरफ से। प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार मलिक सर के जोड़ा। चलो अब अपनी क्लास स्टार्ट करो। थैंक यू। अनिल को तुम पेन ले लो। ये मैट इस बार अच्छा है। सर अपना बॉक्स करो सर। बोला था उसको वो संभाल लो, तुम संभाल लो, पीछे वाले कैमरे के साथ बंद कर दे।
ठीक है, तो आज हमारी ये टूल की क्लास, अब तक आपने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक सारे टूल्सों पे काम किया है, सारी चीजें आपको पता भी है, लेकिन आपने जो काम किया है आपको सिर्फ उनका एक नाम पता है। मान लीजिए अगर आयरन, तो आयरन का नाम पता होगा किस आयरन पे काम किया है, या आपने माइक्रोस्कोप पे काम किया है, या कोई भी ट्वीजर पे, या किसी चीज पे। अब क्या होता है हर चीज का, अब आज जो आपका लास्ट डे टूल डिपार्टमेंट में आ जाता है, टूल डिपार्टमेंट में आने के बाद क्या होगा, अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करें तो माइक्रोस्कोप में अलग अलग रेंज होती है। सबसे पहले प्राइस रेंज, क्योंकि आप उसी तरीके से समझ पाएंगे भाई, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक से लेकर दस तक माइक्रोस्कोप दिखाएंगे, ये इस रेट की है, ये इस रेट की है, ये इस रेट की है, उसके बाद आपको देखेंगे चला के या जो भी आपको अच्छी लगेगी आप वो ले लेंगे, लेकिन आपको मेजर चेंजेस उसमें नहीं पता होंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात, माइक्रोस्कोप अगर आपने बाय कर ली है, अब बाय करने के बाद क्या होता है, जब वो आपके पास आएगी तो आप उसकी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन्हें फिट कर लोगे, लेकिन उसकी सेटिंग करने के लिए जो एक्चुअल सेटिंग है वो आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप कभी लेंस को देखेंगे, कभी इसे मतलब करेंगे, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि आप पहले एक माइक्रोस्कोप में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक, वही चीज आपको आज यहाँ क्लियर होगी कि अगर आपने माइक्रोस्कोप परचेस की है तो माइक्रोस्कोप का जो रेट है वो किस वजह से चेंज होता है, अप और डाउन होता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई रमेश, मान लीजिए इनका नाम रमेश है, और रमेश को राकेश के कपड़े पहना के और राकेश बता दे, ऐसा तो नहीं है। तो वो आपको कब पता चल पाएगा, जब आपको उसकी डिटेल पता होगी। इसके बाद ही अगर मान लीजिए कोई चार्जर है, तो उस चार्जर में ही आपको जो वोल्ट है वो कैसे पता चलेंगे कि हाँ हमारे किस वोल्ट है, जैसे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर एक से लेके 50 तक आते हैं, अब उन 50 मल्टीमीटर में कौन सा आपका वैल्यूएबल है, किस पे आप शुरू में काम कर पाएंगे, कौन सा आपके लिए यूजफुल है, या किसके क्या फीचर्स है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे आयरन की, या उसकी सॉरी एसएमडी की, एसएमडी में क्या होता है, एक एसएमडी 5000 वाली, एक 10000 वाली, एक 20000 वाली, एक 50000 वाली, तो उसमें क्या क्या डिफरेंट है, आखिर आप क्यों लें कि आपको 5000 वाली पे अगर आप काम कर रहे थे तो 10000 वाली में क्या होगा, ये पता होना चाहिए ना भाई, बड़ा होने से, साइज बड़ा होने से, या उसका रेट बड़ा होने से तो मतलब नहीं बन जाता है। तो आज जो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा वो है माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो हुई 7x250 से, 7x250 से। अब ये 7x250 क्या है, जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है, अगर आप लोग पहले घड़ी का या चश्मे का कोई काम करते हैं, आप में से कोई चश्मा लगाता है तो उसे पता है कि उसकी जो आय, जो लेंस है उसकी क्या क्लियरिटी है या नंबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी आंख ज्यादा वीक होगी तो मुझे ज्यादा नंबर का चढ़ेगा, और मेरी आंख ज्यादा अच्छी होगी तो मुझे कम नंबर का चढ़ेगा। तो इसी तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर जो यहाँ एक लेंस होता है उसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज यहाँ रखी हुई है तो वो उसे ऑब्जेक्ट लेता है और फिर हमें विजन दिखाता है उसका। तो इसकी जो चीज है सबसे पहला हमारा आता था, मैंने भी बताया 7x245 मोबाइल वालों के लिए, मोबाइल इंडस्ट्री में। उससे पहले तो हालांकि मैग्नीफाई लैंप, जिसमें हम एक लाइट होती थी उस पर नीचे रख के देख लेते थे, घड़ी वालों का भी यूज करते थे आईसी का नंबर देखने के लिए, लेकिन नॉट अ मोबाइल यूज के लिए, वो मोबाइल वालों के लिए नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारी बढ़ी है वैसे ऐसे हुआ। अब 7x245 में जो जूमिंग था, अब आप कैसे समझेंगे कि 7x245 है क्या, तो 7x245 जो होगा इसमें 7 आप किस तरीके से एरिया लगाइए, यानी कि वो आपको किस तरीके से एरिया दिखाएगा, एरिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे यहां रख दूं तो ये ऐसे करके मुझे इतना एरिया दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा होगा तो उसमें इस तरीके से मतलब जैसे जैसे ये 70 की जगह बढ़ता जाएगा तो वो चौड़ा फैलता जाएगा, और जहां ये घटता जाएगा वहां आपका घटता जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगा। समझ आ रहा है 70 का मतलब? ठीक है, यानी कि आपको जहां भी ये 70 होगा वहां एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ होती है। इसके बाद जो 45 है वो इसका ये एरिया होगा, ये कितना जूम करेगा, ये कितना जूम करेगा, यानी कि अगर मैंने इसे यहां रखा इस तरीके से, एक्चुअली मेरा हाथ देखेगा, इस तरीके से मैंने इसे यहां रखा,
और ये अगर 45 है तो ये इतना कवर करेगा, अगर ये 50 जाएगा और ज्यादा हाइट कवर करेगा, और ज्यादा ऊपर जाएगा तो इस तरीके से, यानी कि 7x to 45 का मतलब क्या होगा? हाइट डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस। ये आपको समझ आया? पहले पता था? नहीं पता था, ठीक है। 7x to 45 में हमारा ये होगा। इसके बाद इंडिया के अंदर सबसे पहले हम हैं जिन्होंने 7x to 50 माइक्रोस्कोप का, इसके किताब माइक्रोस्कोप की किताब निकालो, 7x250 रिलीज किया। हमसे पहले किसी ने भी ये नहीं किया। आज जितने भी ब्रांड में आ रहे हैं, अगर आप कहीं से भी माइक्रोस्कोप लेते हैं, आप उसका जब बॉक्स खोलते हैं तो उस बॉक्स में किताब निकलती है। उस किताब पे आज भी लिखा हुआ है ZS 7050 सीरीज, आज भी हमारे नाम से वो चल रही है। ये देखिए ZS 7050, और ये माइक्रोस्कोप में सब कुछ चेंज करा सकते हैं, कपड़े भी बदलवा सकते हैं, हर चीज चेंज करा सकते हैं, पर किताब नहीं चेंज करा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज है जिसने रिलीज कर दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें लगा कि 7x to 45 हमारी चल रही है, बहुत अच्छी है। अब जैसे जैसे हम अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी को भी लेके आते हैं। पहले एक अल्टो गाड़ी आती थी, फिर उसके बाद दूसरी आई, कंपनी भी व्हाट नेक्स्ट पे काम करती है, आखिर नेक्स्ट क्या हो, किस तरीके से इजी बचाए, काम बचाए। तो उसके बाद हमने रिलीज किया 50। इसमें हमने क्या काम करा, क्योंकि एरिया हमारा ठीक था, हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड है, हमारा लैपटॉप का तो है नहीं, इतना बढ़ाएं या फिर इतना सा कर दें, ठीक। हमने क्या किया, उसकी जो लेंथ थी वो और बढ़ा दी, हाइट हमने और बढ़ा दी, हमने इसमें कर दी 50। अब 50 होने के बाद ये हमारी अच्छी चलती रही। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अभी ये है, आपने अभी दो चीज समझ में आई थी, 7x to 45 यानी कि हमारी लेंथ और हाइट, ठीक है। इसके बाद इनमें होता था आईज लेंस 10x to 20। अब कैसे, जैसे ही मान लीजिए आज तो चश्मा है 6 नंबर का, कुछ टाइम बाद जनरेशन के हिसाब से, मान लीजिए आज इस क्लास में आप 30 लोग हैं, अब 30 लोग में से 20 लोगों की आंखें ठीक है, 10 लोगों की खराब है। अब वो 10 लोग जो है, या तो भविष्य में जाके वो गिनती बढ़ेगी, 10 की जगह 15 होगी, 20 होगी, या फिर वो घटेगी, क्योंकि अगर वो केयर कर रहे होंगे तो वो 5 होगी या फिर वो 15 होगी, एक्चुअल नहीं रह सकती। यानी कि आपके 10 लोग हैं, 10 के 10 की आंख एक सी नहीं रह सकती, या तो खराब होगी या फिर सही होगी, ठीक है। तो उसी के लिए जब 10x to 20 चल रही थी, हमने फिर से इस पे भी रिसर्च किया और हमने 10x to 22 का कर दिया, यानी कि जनरेशन देखते हुए कि कितने लोग आखिर एक ही आंख के हैं। तो पहले 20 थे जब निकाली थी उन्होंने, उसके बाद हमने 10x to 22 कर दी, ताकि एक्चुअल सबको क्लियरिटी और विजन मिल सके। अब उसके बाद दूसरी कंपनी ने फिर रिसर्च की, उसे लगा अब ऐसा तो है नहीं कि हम ही रिसर्च कर रहे हैं, हर आदमी रिसर्च कर रहा है अपने काम में, और मुझे लगता है कि मुझे ये चीज बेस्ट है, मेरे से पहले किसी और ने, तो एक कंपनी ने 65x65 निकाल दी। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो एरिया 70 था वो थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछो कि 65 क्यों किया, 70 की जगह 75 कर सकते थे, भाई जाहिर सी बात है एरिया बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर ये हमारा एक कमरा है और ये मैं मानू 10x10 का एक कमरा है, तो इस 10x10 में मैंने एक बल्ब लगाया, ठीक है, वो रोशनी क्या है, प्रॉपर देगा। उसके बाद अगर मैं इसे थोड़ी सी बढ़ा दूंगा तो रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर जगह थोड़ी कम कर दूंगा तो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, 65 उन्होंने कम किया, ताकि जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो और थोड़ा क्लियर हो जाए, जो कि हमने नहीं किया, क्योंकि हमें लगा वो ठीक है, उन्हें लगा नहीं ये चेंज होना चाहिए। उसके बाद 65 हमने कितना किया था, 50, वो कितना लेके गए, यानी कि और ज्यादा हाइट बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक और रिलीज हुआ, इसमें कितना है 70, और इसमें 67। तो इसमें और क्या हो गया, वो ठीक है, यानी कि एरिया जितना था वो 70 रहा और इन्होंने और ऊपर कर दिया, ठीक है। यानी कि अपने अपने हिसाब से जिसे जो लगता गया उन्होंने वो करता गया। अब ये आए एक जनाब, उन्हें क्या लगा कि नहीं उन्हें और ज्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने 270 यानी कि बहुत ज्यादा उसे बढ़ा दिया, ताकि एक्चुअल रिजल्ट रहे। और ये यहाँ उन्होंने साइज कम किया, ताकि कम साइज होगा, लाइट कम खाएगा, लेकिन ये एकदम हाइट भी होगी और बढ़िया भी। तो इसी तरीके से अब इन दोनों लेंसों का मैंने समझाया क्या डिफरेंस था, ठीक। अब इसके बाद V2 आया, V2 में क्या हुआ,
सारी बंदों का घर रखी है। नहीं 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 सबसे पहले हमारा क्या था 10x to 20, फिर हमारा कौन सा आया 10x to 22, फिर हमारा कौन सा आया 23। इसे आप 23 भी कह सकते हैं और V2 भी कह सकते हैं। यहाँ 24 भी लिखा हुआ हो सकता है, 25 भी, वो मेरी मर्जी है कि मैं इसे क्या नाम दे दूं। ठीक है, सबसे पहले हमारा 20, 22, 23। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब नेक्स्ट जनरेशन फिर आई। पहले क्या है, जब आपकी हमारी एज थी तो हमें फोन का नहीं पता था, बड़े हुए 10-15 साल में जाके जब फोन मिला, और उसके बाद आज के बच्चे क्या है, 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल देखने लगता है, तो उनकी आंखें क्या हुई, हमसे ज्यादा एडवांस हो गई। यही हुआ ना, हमसे ज्यादा एडवांस हो गई। आज बच्चे को वीडियो दे दो तो डोरेमोन देखने लगता है। तो इसमें इन्होंने और थोड़ा सा कर दिया, यानी कि इसे एडवांस कर दिया। अब इसे क्या है, जिसकी एज ज्यादा है वो भी देख सकता है, जिसकी कम है वो भी देख सकता है, क्योंकि उनमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर पाएगा। ये जनरेशन वाइज है, ये थोड़ा एडवांस कर दिया है कि अगर तुम्हें काम वही जो इससे हो रहा है, काम इससे भी वही होगा। बस क्या है कि इससे जो आदमी बैठेगा वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। अगर आपके यहाँ 10 लोग काम करने वाले हैं तो अभी ये आएंगे तो ये अपने हिसाब से रखेंगे, ये आएंगे तो ये अपने हिसाब से, अब ये चश्मा लगा रहे तो वो अपने हिसाब से जहां उन्हें एंगल होगी, इसे वाइड एंगल भी बोल देते हैं। हालांकि ये वाइड एंगल होता नहीं है, कुछ लोगों ने नाम निकाला हुआ है। ठीक है, सिर्फ इससे क्या होगा, ये इसमें देखो उन्होंने नंबर भी डाल रखे, प्लस या माइनस, यानी कि आपकी जहां आईज सेट होगी वहां आप इसे रख लेंगे। ये आपको सभी को समझ आया, बिल्कुल क्लियर है, आज से पहले पता था माइक, यानी समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब भी आपके पास माइक्रोस्कोप आती है तो जैसे मैं एक ये हेड ले रहा हूं, एक ये होता है, एक आर्म स्टैंड और अलग, सारी चीजें अलग अलग होती। अब जितनी भी वीडियो होती है या यूट्यूब पे गूगल पे, आप उन्हें देख के उन्हें फिट तो कर लोगे, या इतनी जानकारी आपको भी होती है कि हाँ ये यहाँ लगाना। सबसे बड़ी जो समस्या आती है, समस्या हमारी आएगी कि हमने माइक्रोस्कोप फिट कर ली, लेकिन अब इसे सेट कैसे करें। हमने माइक्रोस्कोप फिट कर ली लेकिन इसे सेट कैसे करें। अब सेट करने के जो हैं वो अलग अलग इसके हैं। कभी भी आप कहीं से भी माइक्रोस्कोप लेते हैं तो उन्हें बेचने वालों को भी नहीं पता होता कि ये सेट कैसे होगी। वो क्या कहेगा, यार टेक्नीशियन तुम हो, तुम खुरक, अरे हम तो कर ही लेंगे। अब तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क हो गया, क्योंकि आप एजुकेट हो चुके हो। पहले क्या, आप भी एक मोबाइल वाले थे, लेकिन अब आप एक मोबाइल वाले नहीं हो, एक इंजीनियरिंग करे हुए मिस्त्री में, मिस्त्री बोलते हैं ना इंजीनियर को, भी तो घर बनाएगा, और एक जो हम रोड में से पकड़ के लेके आते हैं, डिफरेंट क्या होता है, उसे हम जो रोड में से लेके आएंगे उसे हम बताएंगे यहाँ से यहाँ दीवार खींचते, यहाँ से ये बनाते हैं लैट्रिन बाथरूम ये, लेकिन जो इंजीनियर होगा उससे हम कहेंगे भाई इतनी जगह है इसे अच्छे से बना दे। यही डिफरेंट हो आप में और उनमें, यही फर्क है जो एक मोबाइल वाले दुकान पे बैठे हुए हैं और जो आप सीख के जा रहे हैं। पहले आपको डैग कैटर्स नहीं करना आता था, आज वो आ गया, अब आप उससे तो अलग हो गए ना, तो इसी तरीके से ये नॉलेज भी आपको अलग होगी। सबसे पहले जब भी हमारे पास माइक्रोस्कोप आए तो इससे सेट करने के 4 सिद्धांत हैं, यानी कि 4 स्टेप हैं। 4 स्टेपों में विद इन 1 मिनट आपकी माइक्रोस्कोप कोई भी सेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा। जब आपके पास माइक्रोस्कोप पहुंचती है और आपने इसे इस तरीके से सेट कर ली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका आई लेंस है उसे राइट सिलेक्ट, राइट कर देना है बिल्कुल। अगर आपका डबल वाला है तो ऐसे भी बिल्कुल राइट, ठीक है, सिंगल वाला है तो वो भी बिल्कुल राइट, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने करी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आईज लेंस राइट सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले में हम इसे आईज लेंस को राइट सेट कर देंगे, पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में जो हमारा ये है, ठीक है, इसे हम फुल जूम कर लेंगे, फुल यानी कि जूम कर लेंगे, जहां पिक्चर हमें बिल्कुल ऊपर आ जाए, क्योंकि नीचे आएगी तो गैप बन सकता है, ऊपर आनी चाहिए फुल जूम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा राइट साइड करने, सेकंड में हमें फुल जूम करना है। अब थर्ड स्टेप जो हमारा आता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं
दुनिया की कोई भी माइक्रोस्कोप होगी इसी सिद्धांत पे सेट हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास सनसाइन है, रिलाइफ है, जेडएस है या कोई भी एक्स वाई जेड। आपको सिर्फ ये चार स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप है हमारी आइसलैंड सेट, सेकंड है फुल जूम, थर्ड पे आपको करना है कि ये जो स्पेस है इसे आपको अगर मान लो ये यहाँ है या फिर ये यहाँ है, कुछ भी है, इसे बिल्कुल बराबर करना है। ठीक है, बिल्कुल किस तरीके से आप देख सकते हैं कितने हुए, तीन स्टैंड, आर्म स्टैंड लेवल। ठीक है, आर्म स्टैंड लेवल हो गए, तीन स्टेप समझ आए बिल्कुल। अब चौथा स्टेप जो है उसमें कुछ नहीं करना आपने, यहां से ये इसका लूज करना है चौथा पॉइंट, ऐसे करके ये हो गया ऊपर नीचे बिल्कुल, और एक हाथ से यहां से पकड़ना है और इसमें आंख में देखना है, जहां भी आपको क्लियर आ जाए बस वहां ये लॉक कर देना है, ये लॉक कर देना है। यानी कि चौथे स्टेप में आपको सिर्फ लॉक करना है जहां भी आपको क्लियर विजन आए। ठीक, पहला स्टेप हमारा आइज लेंस, ठीक है, राइट साइड करना है। सेकंड स्टेप हमारा फुल जूम, थर्ड स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप हमारा लॉक करना है। अब ये चार स्टेप होने के बाद आपको ये माइक्रोस्कोप सेट हो जाएगी, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपने सिर्फ क्या करना है, आप जिंदगी भर सिर्फ इस बटन पे काम करेंगे, ना आपको ये छेड़ने की जरूरत ना ये छेड़ने की जरूरत। आप इसे अब फुल जूम आउट कर देंगे तो वो पीसीबी पूरी आपकी जूम आउट हो जाएगी। ठीक है, अब आप जूम्स आउट से लेके जूम इन तक सिर्फ और सिर्फ इससे कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहले क्या होगा, कभी आप जूम आउट कर दे तो फिर इसे सेट करना पड़ रहा है, फिर इसे सेट करना पड़ रहा है। ठीक, अब दो चीजें और, ये आपकी पूरी माइक्रोस्कोप इन चार स्टेपों में होगी। अगर आपकी आईज के हिसाब से, अब जैसे मैंने कहा इनकी आईज अच्छी है, इनकी थोड़ी लूज है, इनकी वीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं मुझे थोड़ा विजन क्लियर नहीं आ पा रहा है मेरी आंखों के हिसाब से, तो एक तो आप ये इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेटिंग है, नॉट अ माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेटिंग है, जहां भी आपको लग रहा है अब मेरे यहाँ जो गैप है वो कम है। ठीक है, किसी का माथा बड़ा होता है, किसी का ज्यादा छोटा होता है, वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग करना है, तो ये आपने इस तरीके से इन्हें कर लेना है। दूसरी चीज, जिनकी आंखों की बात है, ये तो माथे वाली बात होगी कि जहां आपको माथा एकदम कवर्ड हो जाए, जैसे मेरा यहां सीख हो रहा है, अब किसी और का होगा तो उसका यहां हो जाएगा। ठीक, अब जिनकी आंखें वीक है तो उन्हें क्या करना है, पहले अपनी एक आंख बंद करनी है और एक आंख बंद करके जो आपने ये आईज लेंस सेट किया था इससे थोड़ा क्लियर करना है। ठीक है, जहां भी उन्हें दिखे ये आंख देख लेनी है, फिर इसी तरीके से इस आंख को बंद करना है और इस आंख को देखना है, ये क्लियर कर लेना है। ठीक है, माइक्रोस्कोप समझ आया सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब से पहले बता दिए बातें? नो सर। थैंक यू। अब हम बात करते हैं एसएमडी पे। अभी एसएमडी पे आपने 857 डीडब्ल्यू यूज किए, शुरू की थी तब एक मॉडल आता था 3005, ये हमने नाम दे दिया, पहले ये नहीं था, पहले क्या था किसी ने 850 आप सबने सुनी होगी, 850 858 857 जिसका जो मन करा उसने वो नाम दे दिया। लेकिन आप 857 पकड़ के वो 850 पकड़ के चल सकते हैं या 3005 पकड़ के चल सकते हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाए 850 पकड़ लीजिए। अब 850 हमारा जो था उसमें क्या है, एक्चुअल अभी आप क्या है, आपने सिर्फ काम के पर्पस पे काम किया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे या इंजीनियरिंग लेवल पे जाएंगे या फिर एक अच्छे टेक्नीशियन पे जाएंगे, जो आप बाद में बनेंगे जब आपकी स्किल तेज हो जाएगी, तो आपको ऑन टाइम
ऑन चीज, मतलब हर चीज आपको ऑन टाइम चाहिए। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, तो मुझे कोई कहे कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने आ जा तू 20 मिनट में आ जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब मैं टाइम का पंचवर होगा तो, और मुझे वो कहे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मुझे 5 मिनट में वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 5 से 6 मिनट उसे नहीं दे सकता, मेरे टाइम की वैल्यू है। तो हमारी जो 850 एसएमडी थी उसमें कैसा था, 25% का एरर था। अब एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने एसएमडी से हीट सेट की, आपको कोई आईसी 300 पे निकालनी है, तो जब आप वो 300 रुपए करते हैं ना, तो उसकी जो एक्चुअल, अगर आप मल्टीमीटर से उसकी जब हीट नापेंगे, मल्टीमीटर आता है हीट नापने का, अगर आप नापेंगे तो आपको उसमें 300 नहीं मिल रही होगी, 300 में 25 कम मिल रही होगी जब भी आप उसे टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से फिर हमारी आई 857, इसमें है 15% का, कभी भी आप इसे टेस्ट करेंगे, कुछ तो इसे रिपेयर कर लेते हैं, जो मल्टीमीटर से कैलिब्रेशन होती है एसएमडी की सारी, लेकिन इसमें एरर कितना है, 15% का, यानी कि अगर आपने 300 सेलेक्ट की तो आपको 15% कम देगा, ठीक है। उसके बाद है 2008, इसमें आपको 8% कम देगा। फिर है 861, इसमें आपका 5% है। फिर इसमें 881, इसमें उन्होंने जीरो कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने पहले से इसे कैलिब्रेशन करके दी है। ये यहां से लेके यहां तक जो आती है कैलिब्रेशन हुई भी नहीं आती, सिर्फ एक ESMD है जो कैलिब्रेशन, ऐसी इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है, ये 25-30 हजार तक पहुंच जाती है, और वहां हमारी का 5000-2000 रुपए से शुरू हो जाती है, ठीक। तो जैसे जैसे आपका पैसा एडवांस जाएगा, वैसे वैसे टूल्स में आपकी अपग्रेड होते जाएंगे। अब आपका क्या है, अब आपको 857 पे आपने प्रैक्टिस किया, अब 857 से अगर आप डायरेक्ट 2008 पे जाते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिगड़ क्यों जाएगा? आप थोड़े दिन काम करके जब आपका हैंड हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी ये है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप 2008 ले सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छे लेवल पे, मान लो आपको आईफोन करनी है, अगर आईफोन में ये 15% का एरर दे और आप इससे काम करें, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर मलिक सर इनको भी क्या है कि अगर ये बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ये तो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनको प्रिफर करेंगे पर 857 बेस्ट, 857 बिल्कुल 857 बेस्ट। और अब ऐसा है कि आप 7-8 साल से काम कर रहे हैं, 857 से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको और प्रो लेवल पे जाना है तो 861 आप ले सकते, फिर 861 ले सकते, है ना। अब उसके अंदर क्या होगा, 2008 के प्रोटोकॉल थोड़े से चेंज है, बिल्कुल, है ना। उसके अंदर आपको मिनिमम एयर अपने 60 पे रख के करी थी अपने, इसके ऊपर 60 पे रख के करी थी, अब उस पर 100 पे करना पड़ेगी, तो उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर का प्रोटोकॉल ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस होंगे। तो आपको ये समझ आया एसएमडी में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन की, कैलिब्रेशन मतलब स्टैंडर्ड को फॉल्टी के साथ कंपेयर करना ना, राइट। अब जब भी आपने शुरुआत की हो मोबाइल से, जो फ्रेश है वो भी, और जो यहाँ ओल्ड है वो 10 साल हो या 20 साल हो या 50 साल हो, तो आपने सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग में आता से परमिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?